तो देखो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे जरूरी चीज जो सब भूल जाओ अगर बाहर आ रहे हो, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है, ये कर ले भाई फोकस। ये मतलब 3 पिन प्लग है तो फोन आपका, लैपटॉप आपका, कोई भी चीज आईपैड आपकी चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो हमारा चार्जर है इंडियन, ये आगे सॉकेट में नहीं घुसता है अनलेस ये ना मिले, फिर ये आगे सॉकेट में घुसेगा क्योंकि ये गोल होते हैं। तो ये 3 पिन प्लग एडाप्टर, ट्रेवल एडाप्टर, अमेजोन पे लिखोगे तो मिल जाएगा या किसी सस्ती दुकान से ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बुक्स की बुक्स कौन सी लाएं? देखो दिस इज द बाइबल, नेटर्स एटलस, कोई भी एडिशन लो चलेगा, बट एटलस आपके पास होनी चाहिए खुद की पर्सनल। इसके अलावा क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह, ये दूसरी किताब ये रखना, न्यूरो एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। अगर आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने के बाद इन्हें देखते हो तो आपको ऐसी ही फीलिंग आने वाली है कि जस्ट आप उनके नोट्स देख रहे हो, ठीक है। थर्ड बुक जो करेंटली मेरे पास अभी नहीं है, आईबी सिंह हिस्टोलॉजी। मैं रिकमेंड करूंगा इन तीन से ज़्यादा किताबें मत लेके आना, बाकी बीडी चौरसिया की 4 वॉल्यूम आती हैं, लोग उसे लेकर आते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि वीडियो लेक्चर देखो, उनके नोट्स बनाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इशू बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एज वेल, जैसे ये मेरी फार्माकोलॉजी की बुक है, इतनी मोटी, ठीक है। तो ये हमें लाइब्रेरी से 1 साल के लिए इशू हुई, जब साल खत्म होता है तो आप रिटर्न कर सकते हो। ऑफकोर्स मुझे जाके रिटर्न करना है, मेरे फार्माकोलॉजी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हर साल आप ऐसे लाइब्रेरी से बुक्स इशू कर सकते हो, बट ये 3 किताबें आपकी खुद की होनी चाहिए। अगली चीज जो कि बहुत जरूरी है, ये वॉट एप्रिन, एप्रिन इज वॉट लैब कोट इज वॉट, जो व्हाइट वाला आपका होगा। मैं रिकमेंड करूंगा इसे सिला कर लेके आना कपड़े से, और यहाँ पे हाफ फुल का कोई एज सच वो नहीं है इम्पॉर्टेंस कि आप हाफ पहनो या फुल पहनो, तो इट्स टोटली योर कॉल कि आपको हाफ स्लीव्स वाले पहनने हैं या फुल स्लीव्स वाले पहनने हैं, बट सिला के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड 2 लेके आना, एक आपके बैग में पड़ा रहे एंड एक फ्लैट अपार्टमेंट हॉस्टल जहाँ भी रहो वहाँ पड़ा रहे। ऑफकोर्स हॉस्टल में रहोगे फर्स्ट ईयर तो वहाँ पड़ा रहे, क्योंकि फिर अगर आप भूल जाते हो देन टीचर कहेगी लैब कोट कहाँ है, प्रॉब्लम होगी ना, नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ आपने साथ रख के आना। एक और जरूरी बात, स्टेशनरी, जैसे कि कॉपी, पेन, रबड़, पेंसिल कलर्स, ये सब इंडिया से लेके आना। इस तरह की अगर आपके पास इससे थोड़ी मोटी ही 2 रजिस्टर फर्स्ट ईयर में आप लेके आते हो तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आपको नोट्स बनाने का शौक है तो फॉर एनैट एंड हिस्टो मेनली एनैट ही कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े महंगे हैं, जैसे ये रजिस्टर यहाँ पे इतना मोटा। अगर आपको इट्स अच्छे क्वालिटी वाले पेजेस का चाहिए तो ये मुझे पड़ा 250 रुपये का एक, विच इज़ एक्सपेंसिव। तो मैं फर्स्ट ईयर में मैं खुद अपने रजिस्टर लेके आया था, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि 100 रुपये में तो अच्छी क्लासमेट की मोटी रजिस्टर आ जाती है, तो वो रजिस्टर लेके आना। एंड पेंसिल बल्क में ले आओ तो बेहतर। एंड येप, इसके अलावा ग्लास, प्लेट, चाय की पत्ती, अगर पीते हो चाय तो अपने साथ रख लेना, ग्लास प्लेट एक अपना अलग रख लेना, दो आप मेस में खाओगे बट स्टिल कभी हॉस्टल में चाय पीने का या कुछ मन करे तो आप कर सकते हो। एटीएम कार्ड की बात करें तो किसी भी बैंक का वीज़ा या मास्टर कार्ड यहाँ पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एप्रन हो गया, एडाप्टर हो गया, बुक्स हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, कपड़े इस तरह के हाफ टी शर्ट्स पहनने के लिए रखना, क्योंकि हॉस्टल के अंदर हीटर चलते हैं तो गर्मी नहीं लगती है, बट टेम्परेचर नॉर्मल लगता है। इवन अगर बाहर -10 -15 भी है तो आप अंदर हॉस्टल में एक हाफ टी शर्ट, शॉर्ट्स में या ट्रैक पैंट्स में रह सकते हो, ठीक है। और शुरू करते हैं वीडियो, फिर मेन कंटेंट जो मैंने पैक किया था वो आपको दिखाता हूँ क्या पैक करना है। इसके अलावा लेट्स गो। सबसे पहले तो इस तरह की 2 ट्रॉली लेना, 2 मोर देन इनफ होगी अगर आपको 40-50 किलो इनिशियली वेट मिलता है तो। इसके बाद ट्रॉली को खोलना एंड इसमें सामान रखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले रखे मैंने अपने कपड़े, जो कि बहुत थे, मेरे शॉर्ट्स थे, मेरे टी शर्ट्स थे, जिनको मैंने अरेंज किया और रखा। और टी शर्ट क्योंकि थोड़ी सी यूक्रेन में महंगे होते हैं तो मैंने इंडिया से ही टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट सब कुछ खरीदे। इसके अलावा मेडिसिंस, पैरासीटामोल, क्रोसिन, बेसिक छालों की बिकोजिंक, जो भी दवा होती है, साइक्लोपॉम, पेट दर्द मेरा कभी कभी होता था, ये सारी चीज़ें रखना। ऑफकोर्स आपके पास अपना लैपटॉप अगर है तो वो रखना, या एक आईपैड वुड बी फाइन एज वेल, कोई कंपल्शन नहीं है। इसके बाद इसके चार्जर तो आपको रखने ही होंगे।
एंड एक लैपटॉप वैन कूलर ही मैंने लिया, इसके लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक स्कूल बैग जिसके अंदर आप सारे सामान डालोगे, ये मेरा आईपैड। कोई एक चीज़ लेना इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, ये मैंने सेकेंड ईयर में आके लिया था, या तो लैपटॉप या आईपैड, बट यू शुड हैव एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ यू। इसके बाद हेयर स्प्रे, अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। मेरे से एक गलती हुई इस हेयर स्प्रे में, ये कि मैं दो बार जब भी कीव से वापस दिल्ली आता था तो इस हेयर स्प्रे को मैं अपने इस बैग में रख देता था जो कि हैंड बैग सॉर्ट ऑफ मेरा ये यूज़ होता था, एंड बार बार वो मुझे इमिग्रेशन चेक इन जब होता था तो ये स्प्रे निकाल के फेंक देते थे, क्योंकि सिर्फ 100 ml तक के ही लिक्विड आइटम्स हैंड बैग में या जो आप अंदर कैबिन बैग में लेके जाते हो उसमें अलाउड है। तो ये ट्रॉली में रखना। उसके बाद अ गुड पीस ऑफ एयरफोन्स वुड बी अ गुड ऑप्शन टू बाय, ऐसा मैं कहूँगा, ठीक है, कि ऑफकोर्स गाने सुनना, लेक्चर्स देखना, आपको ज़रूरत इनकी पड़ेगी। एक परफ्यूम किसी भी कंपनी का चलेगा, सो दैट यू स्मेल गुड। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट मतलब मुझे जो पसंद है, फैन, पता नहीं आपके साइड क्या बोला जाता होगा, फैन, मठरी, नमक पारा, नमकीन, ये जो भी होता है, क्योंकि मेरी सुबह होती है चाय से, जब मैं चाय पीता हूँ अजवाइन वाले बिस्किट, फिर उसके बाद जाके मेरी सुबह होती है, एंड फिर जब फ्रेश फील करते हो। एक अलार्म क्लॉक, जी हाँ, फ़ोन हम करते हो, हम स्नूज पे किया और सो गए, ये टन 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 सुबह सुबह घंटी बजेगा, माहौल भी अच्छा एंड मज़ा भी आएगा। किताबों की, ये मैं फोर्थ ईयर में एक अपने रिविजन के लिए ली, इट्स अ रिव्यू बुक, चाहो तो ले लेना। वैसे बुक्स की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी लानी होंगी, नॉट दिस वन। दिस इज ट्रैवल पिल्लो, खरीद सकते हो, आई बॉट इट फ्रॉम मिनिसो। दिस इज जस्ट सम कैरेक्टर्स मिनियंस जो कि मैं अपने स्टडी टेबल पर रख के, यू नो, जस्ट टू फील गुड, नॉट कंपल्शन। ये मैंने खुद के लिए लिया था, यू कैन बाय इट टू, कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट टू फील गुड, यू नो, लेकिन इट्स टोटली योर कॉल। नेक पिलो अगेन, आई बॉट इट फ्रॉम मिनिसो। प्लेन में जब आप बैठोगे तो इट विल गिव यू कम्फर्ट, अ फीलिंग ऑफ कम्फर्ट। ये हमारी क्रिकेट बॉल्स, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और हर बंदा लेके आता है, आप लोगों के लिए नहीं है, जस्ट मैंने अपने लिए। एंड अगेन योर पावर बैंक, दिस इज माई कैमरास लेंस, यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट, ओके, दिस यू नीड इट, अ हार्ड ड्राइव, 1 TB वुड बी फाइन, एक हार्ड ड्राइव या एक पेन ड्राइव अपने साथ रखना अलॉन्ग विथ पावर बैंक। एंड पावर बैंक किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, क्योंकि यू डोंट नो वन यू मे रन आउट ऑफ बैटरी। एंड मास्क भी ज़रूरी है, एटलीस्ट अगर लॉन्ग यूज वाले रखने हैं तो अच्छे मास्क 2-3-4-5 खरीद लेना एंड इन्हें अपने साथ रखना। इसके बाद स्टडी टेबल के सामने जो दीवार होगी उन पे मैं ये चिपकाऊंगा, पीस आउट, नॉट जस्ट दिस, आई एम अ फैन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स शो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थॉमस शेल्बी को भी अपने दीवार पे थोड़ी जगह दी जाए। एंड एक फेस वॉश, ये आप रख सकते हो, ठीक है, कोई फेस क्रीम एंड कुछ शॉर्ट्स, नॉट शॉर्ट्स, दिस इज़ माई जिम वेयर। ये सारी चीज़ें देखो मैं इंडिया से इसलिए लेता हूँ क्योंकि इंडिया में सस्ते मिलते हैं कपड़े स्पेशली, ठीक है, जो स्नो वाले होंगे विंटर जैकेट वो आप यहाँ से आके लेना, लेकिन छोटे छोटे ये इंडिया से। एंड दिस इज़ नेक्स्ट बेड शीट, एटलीस्ट हैव 2 pairs ऑफ देम, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में प्रोवाइडेड है, बट स्टिल आप अपने रखना बेड शीट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल हाइजीन। दिस इज़ जस्ट की रिंग, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली थी। एंड यस, एक ऐसा स्लिंग बैग रख लेना साथ में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका पासपोर्ट, आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जाएगा। ये मेरी TRC जो इंडिया से आपको पासपोर्ट मिलता है वो सिर्फ 90 days का वीज़ा होता है, यूक्रेन आने के बाद आपका 6 साल तक एक्सटेंड होता है, यू डोंट नीड इट, यू विल गेट इट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अ वॉच इफ यू हैव, वेल एंड गुड, इवन इफ यू डोंट हैव, वेल एंड गुड, बट हो तो सही है। एंड यस, आपका पासपोर्ट आपका सबसे ज़रूरी चीज़। एंड आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
महंगे मिलते हैं। बाय।